ये चला स्टेयरिंग चला चला के हो गए। अभी हिमाचल में जा रहा हूँ और काफी दिन से मेरी ट्रिप प्लान चल रही थी, सवारियां चेंज हो रही हैं, कभी टाइम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि साथ ना फैमिली ट्रिप है, दोस्तों के साथ नहीं जा रहा हूँ। और जीजा जी के साथ, बहन के साथ और एक कजन है अशोक, दिल्ली नरेला वहां से उसको उठाना है, उसके बाद सुबह में निकलूंगा। अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाला है, रात के लगभग 12 बजे। सुबह मेरा यहाँ से लगभग 3:45 बजे निकलने का प्लान है, तो मेरे पास हार्डली 3.5 घंटे, क्योंकि उठ के तैयार भी होना पड़ेगा, थोड़ा गाड़ी में सामान भी रखना है। हिमाचल में जा रहे हैं और सबसे पहला स्टॉप जो रहेगा वो धर्मशाला रहेगा, या तो धर्मशाला जाएंगे या मैक्लोडगंज, फिर उसके बाद अगले दिन शायद चंबा खजियार या आसपास ही है, फिर सचपास। अभी तक यही लिमिट है कि सचपास तक जाएंगे और फिर वापस आएंगे, क्योंकि वहां पे मैंने देखा था लगभग एक वीक पहले रात को टेम्परेचर वहां पे जा रहा है 0 डिग्री, -1 तो नहीं था, 0 ही था, तो उसकी वजह से मैं ज्यादा एक्साइट हो गया कि भाई जून के महीने में भी कहीं कहीं पे 0 डिग्री जा रहा है, तो बस उस हिसाब से वहां जाने का प्लान हो गया। तो सवारी तैयार, बैग वैग टांग लिया और ये अपना कैमरा वाला बैग, थोड़ी सी नींद चढ़ी हुई है क्योंकि 12:30 के लगभग तो मैं सोया ही था और मैं उठ गया था 3:30, तो मतलब 3 घंटे की नींद है, नहा लिया वो अच्छे से फ्रेश हो लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गाड़ी में चलते हैं। माशाल्लाह चले, पेट्रोल भरवाना है, लेकिन यहाँ पे मेरे गांव में जो पंप है ना सुबह 5 बजे खुलेगा और मुझे क्या टाइम हो रहा है, 4:09। चलो चलते हैं भाई। पहुंच गए लुधियाना, वेलोसिटी टायर्स काफ़ी देखे होंगे आपने, और यहाँ मैं एक्चुअली टायर चेंज करवा रहा था गाड़ी, क्योंकि तब तो मैं करवा नहीं पाया, लेकिन अब दिक्कत ये है कि इन पे ब्रिजस्टोन के टायर नहीं, और मुझे डलवाने ब्रिजस्टोन के ही हैं, तो ब्रिजस्टोन के नहीं है, कॉन्टिनेंटल है लगभग 8800 का, वो मैं डलवा नहीं रहा था। अभी मैं खाली ना हवा चेक करवा रहा हूँ, थोड़ी सी गाड़ी वॉबल कर रही है, किसी में 25 हवा है किसी में कितनी है, तो हवा चेक हो रही है और बस चल रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, ट्रक वो फिर कई देर आगे चलता है, तब मैंने जल्दी कर दी। खा ले भाई, लिया तो इनाम पापड़ो सूखा वाला था बहुत ज्यादा, ले लिया तो। अरे मजाक समझ रहे हो, लाल वाला लेता फिर, और काला किताब है, तने पीले वाले ले होंगे ना, देख लो आपका आगे हजत देना है तो मैं दियाऊंगा वापस, दे आता ईब भी दियाऊं, बंदे थोड़े जाएंगे इधर ले ले। खराब हो रहा है, दे दो गई उठ लिया भाई, और भी दिख रहा है ये रहा, देख रहा है क्या केड़ा रहेगा बंदर रहेगा के जो बताओ था के गड्डी बुक कर सोया करे, बस अभी 1 घंटा रह गया, केस हो गया है, देख लो नजारा सो जा को बस, तो फिर पड़ गई तूने ना सोचा मैं चला ले
इव अगर मेरे पास ड्रोन होता ना तो मैं उड़ा के आगे ही देख लेता, आगे से कुछ आ रहा है। चक्के में किंग चल रही है शायद। अरे नहीं वो है यार टोल। हाँ ये तो फिर देना पड़ेगा। अंदर तो नहीं लगा ना भाई कोई और ना। नहीं हमने पूछा ना और भी कटेगी, जब पूछा था और कटवाई गया। हाँ वही पर्ची मांग लेता फिर खोली तो कटवा ले। बिल्कुल बच का गई है या तो सिसा का भी और पीछे उसके भी बिल्कुल नजदीक। बनी के आपका हार्दिक स्वागत करता है। कुछ तो है अभी आप अलग पर्ची कटेगी। घर तो बढ़िया है इनके देखो, रौनक से लग रही है ना। ऑक्टेव का है यहाँ पे, पीछे ट्रेंड का भी था भाई। स्टैंडर्ड की पब्लिक है। देख ले फिर मेरे यहीं जच रही है, रेट पूछ के चल लेते तो फिर वहां जाके वापस थोड़ी आएंगे। पूछ के ना क्या है मतलब, अगर रहना है तो फिर यहीं पूछ के यहीं रह जाओ, फिर आगे नहीं जाएंगे। हमने पहले उतर के ये पूछा है डलोजी जो मेन जगह है वो यही है। नहीं 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 5 किलोमीटर। तो ये क्या जगह है? ये कोई एरिया था ना पहले। अच्छा अब देख डलोजी कैंटोनमेंट बोर्ड वेलकम्स यू। तेरी गलती तो और थोड़े आगे से काटनी है। ठीक है नू धक्का ना करो वीर जी आराम ना करो। ठीक है इनसे पूछो मैकेनिक सर, इनसे क्या पूछना है? कोई होटल होटल डलोजी यही है ना? अरे डलोजी यही है। नहीं जी होटल होटल कहाँ मिल जाने हैं? होटल होटल सर आगे आगे सामने पहले, सामने भी होटल है। अच्छा आगे भी है कुछ? आगे भी है कुछ। घूमने घूमने का यहाँ पे आगे थे। हाँ पता देखो ये है सामने वो है ये है, इनमें जाके पूछना चाहिए मेरे ख्याल से। हमें रोके साइड में रुक गए भाई, रूम मिल गया, यहाँ गाड़ी खड़ी है और ये होटल है, होटल शंग्रीला। इस तरफ है मार्केट, किस तरफ है? चलो फिर ये मार्केट है डलोजी की। चलना है इसमें? हाँ चलो, भीड़ भी है पर देखो भाई ये गांधी चौक है, यहाँ पे एक चौक पहले आया तो उसका नाम नहीं आता, गांधी चौक है और होटल इस तरफ है। तो दो तीन रास्ते हैं यहाँ पे, जैसे एक नीचे चला गया खाने पीने का है, ओए साइड में बहुत बात कर रहे कपड़े वपड़े का है, और इधर भी मार्केट है नीचे की तरफ भी, तो मल्टीपल जगह खाने की होटल में भी अवेलेबल है। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि होटल में जाके खाएं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और रेट लगभग बराबर है, तो होटल में थोड़ा सुकून रहेगा तो वहीं जाके खाते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके की मार्केट है,
कपड़े उपड़े की भी है और बाकी सामान खरीदोगे वो भी है, खाना पीना भी है बीच में यहाँ पे, गर्म कपड़े। थोड़ा सा जूम आउट लो, नहीं इसमें कलर ठीक है, अब ठीक है। ये देखो ज़्यादा कुछ नहीं है तो, लेकिन महंगे ज़रूर मिलेंगे यहाँ पे, ये नाम वाम लिखते हैं। चलो एक्सक्यूज, भीड़ है। ये देखो जो गांधी चौक बताया था ना, अंदर ये है गली। कितने तरीके के गुलाब जामुन है, और ये अंदर वो गली जहाँ से अब मैं आया था। अस ज्यादा नहीं दुख रहा है मेरे सर, लेट ते दुख है मतलब घूमे है, हैं घूम इसलिए रहा ना, नींद कम ली है, 3 घंटे ही तो नींद ली है। बाथरूम चेक कर लिया, क्या चेक करना है, इन मना मिला कुछ भी लगी सकते, ओए थोड़ी है भाई मिल है, अरे नहीं है कैमरा, नींद लेते सुबह ठीक रह जाए। तो कल का प्लान है सचपास, और वो किलर है, किलाड़ है, किलर है जो भी है उसके अराउंड। सचपास का रास्ता थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा सा होमवर्क जैसे यहाँ से लिया जो रहने वाले यहाँ से, और फैन यार ज़्यादा आवाज़ कर रहा, चल रहने थोड़ा नज़दीक कर लूँगा मैं, ठीक है। तो सुबह अब एकदम जल्दी उठ के तो क्या ही करेंगे, तो सुबह सचपास के लिए निकलना है यहाँ से। मेरे ख्याल से कितने दूर था आशु, अरे 120-170 पता ना, देखिए इतना ही कुछ है। और जो किलाड़ वालों कह रहे 100 किलोमीटर का कुछ ऐसा रास्ता जिसमें 3 घंटे ले लेगी गाड़ी और 10-20 की स्पीड पे चलेगी, तो कह रहे अपना फ्यूल टैंक वगैरह फुल रखना। 100 किलोमीटर में कोई पंप नहीं, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं, तो वहाँ खुद की रिफ्यूलिंग और गाड़ी की सब करवा लेना, तो रास्ता बहुत टफ है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एडवेंचरस रास्ता ज़रूर है, तो करेंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ियाँ सब जाती है, छोटी बड़ी ऑल्टो तक जाती है, बस चलाने का थोड़ा तरीका है। तो अब बस खाने का वेट है, तो खाकर थोड़ा बहुत रेस्ट करके, ज़्यादा यहाँ नज़ारे दिखाने की वो कुछ नहीं है पीजी में, ये इस होटल में ऐसा कुछ नहीं है, तो ज़्यादा दिखाने का कुछ नहीं, बस सुबह अब निकलेंगे। अरे कर लिया के, कितनी देर लग गई, अरे बाहर आया यार आधा घंटा, मैं ना पकड़ूंगा आधा घंटा तब तक। देखो सुबह हो गई, अब लगभग 9 बज रहे हैं, और पूरी रात गाड़ी यहाँ बाहर खड़ी रही है। थोड़ी सी टेंशन रहती है, लेकिन क्या ना कि किसी होटल में पार्किंग है अंदर, उनके बाउंड्री के अंदर बेसमेंट में कहीं भी, लेकिन इस होटल में नहीं थी, तो ऑन रोड खड़ी करी। यहाँ पे एक भी काम करते हैं, जैसे गाड़ी खड़ी करते वक्त बोलेंगे कि सर पार्किंग हमारी ज़िम्मेदारी है, मैं 0.5 कर लेता हूँ, बोलेंगे सर पार्किंग हमारी ज़िम्मेदारी, फिर गाड़ी खड़ी कर दोगे, फिर सुबह बोलेंगे पार्किंग के आपको 100 रुपये देने हैं, क्योंकि आप सरकारी जगह पर गाड़ी खड़ी करिए तो इनका कुछ रहता है, तो वो तो हमने दिए नहीं, वो लोग पहले आपको बताना चाहिए था, वो बताया नहीं, तो वो तो नहीं दिए शायद अभी तक। तो अब मैं एक दूसरा व्यू दिखाता हूँ होटल के अंदर जाके, वो अच्छा है। देखो ये व्यू है होटल की बालकनी, मतलब बैक साइड से, यहाँ से ज़्यादा व्यू नहीं आएंगे, क्योंकि होटल की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपने होटल कौन सा लिया और फिर उससे व्यू कितना है। और यहाँ पे देखो ऐसा है कि हम रात को आए थे, तो व्यू का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सुबह फिर निकल जाएंगे और इतना कुछ खास है भी नहीं। लेकिन डलहौजी का एक थोड़ा सा ना अच्छी सिटी है, यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा, क्राउड अच्छा है, मार्केट अच्छी है, स्कूल वगैरह है, तो ऐसा है कि जगह अच्छी है, और माल रोड ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, मार्केट अच्छी है। खजियार है अराउंड 22 किलोमीटर, और उससे आगे अगर चले जाएंगे तो जो सचपास है वो है लगभग 125 किलोमीटर, उससे आगे चले जाओगे तो 40 किलोमीटर आगे किलाड़, किलाड़ बहुत टफेस्ट वे है आई थिंक, किलाड़ है सचपास दोनों ऐसे ही हैं। तो वहाँ पे हमें ये हिदायत दी गई है होटल के मैनेजर ने कि वहाँ पे थोड़ा संभल के चलाना, अपनी गाड़ी संभल के चलाना, क्योंकि बहुत टफ रोड है, अगर फंसी ख़राब हुई पंक्चर हुई तो वापस तो नहीं आएगी ना, कुछ मिलेगा, तो अपना संभल के। और मेरे पास सारी चीज़ें, पंक्चर किट है, रिपेयर किट है, मतलब और इन्फ्लेटर सारी चीज़ें, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है ना, चलाने वाले बेकार हैं, बढ़िया ड्राइवर हैं, हम दो लोग ड्राइव करने वाले हैं, मैं और जीजा जी। ये चला स्टेयरिंग चला चला के हो गए कि जिम की वजह से, कैलस इस साइड में भी हैं। खाना खाया था यहीं पर, अच्छा था, खाने की क्वालिटी अच्छी थी यहाँ पे, और रूम में मंगा लिया था क्योंकि मार्केट में भीड़ है बहुत ही, खाने पीने का बहुत है,
लेकिन ऐसा ना भीड़ चैंचे पैंपे बहुत है, तो मैंने कहा कि होटल में मंगा लेते, रेट ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे बड़े सुकून से खाया था, रात को ठंडी हवा चल रही थी तो यहाँ अच्छा था, तो मैं होटल में प्रेफर करता हूँ, मुझे भीड़ इतनी भी नहीं पसंद, एटलीस्ट खाने के टाइम पे तो थोड़ा सा रही, अगर भाई ऐसी है कि होटल में है ही नहीं बाहर ही खाना है तो फिर बाहर खा सकते हो, लेकिन यहाँ था अवेलेबल तो यहीं खा लिया था। दिख रहा है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, दिख गया दिख गया, अब नहीं दिख रहा भाई, सच पास यही है डीजे ने कॉल है चलता यो माउंटेन मोड ठीक है हां येलो।